हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी यू सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, एक हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, तो उसके पहले हम आगे के हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म हमको एवरी मैटर में हमको दिखते हैं, बिकॉज द एवरी मैटर में मीन्स के एवरी मैटर किसका बना हुआ है, एक एटम का बना हुआ है। वो एटम का स्ट्रक्चर सभी का सेम ही रहता है कि भाई एटम के पास एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करती है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक इफेक्ट एक प्रोड्यूस होती है। ओके, तो फर्स्ट पर हमको फाइंड आउट हुआ था एक मैग्नेशियम नाम के टापू से, उसको हमने नाम दे दिया एक मैग्नेट। और ये मैग्नेट के पास एक दो तरह की एक प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, वो एक आयन पार्टिकल्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेती थी, देन आप उसके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी अवेलेबल थी, देन आप उसके फैक्टर के बारे में भी हमने स्टडी किया हुआ था, देन आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के मैग्नेटिक फील्ड लाइन की करेक्टरिस्टिक के बारे में हमने देखा था। ओके, देन आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर हम एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक नीडल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक मैग्नेटिक नीडल को हम रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होती है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और एक टॉर्क एक्सपीरियंस होती है और उसके पास एक मोशन इनर्शिया भी आ जाती है, इसलिए वो रुकती नहीं है, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीलेशन मोशन करेगी। तो वो ऑक्सीलेशन मोशन करती है तो उसका हमने टाइम पीरियड भी निकाला था, टी इज इक्वल टू 2π रूट आई अपॉन एम बी, आई इज इनर्शिया। ठीक है, ओके, तो देन आप हमने ऐसा भी हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारे पास एक सोलेनोइड अवेलेबल है, वो सोलेनोइड में से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर फास आउट करवाएंगे तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एंड में से एग्जिट होती है और दूसरे एंड में एंटर होती है, एक सेम एज एक बार मैग्नेट जैसा था। ठीक है, कि भाई बार मैग्नेट हमने कंसिडर किया, उसकी ऑन दी एक्सिस का हमने इक्वेशन निकाला, वो इक्वेशन हमको मिल रहा था 2μ0m/4πx³। वैसा ही सेम इक्वेशन हमको एक सोलेनोइड कंसिडर किया और उसकी एक्सिस में हमको मिला, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई सोलेनोइड हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। ठीक है, ओके, देन आप हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसकी एनालॉजी भी हमने फाइंड आउट की थी। देन आप हमने देखा था एक अर्थ इज अ मैग्नेटिज्म, अर्थ भी कैसी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही, एक मैग्नेट जैसा वो इफेक्ट है उसके पास। ठीक है, ओके, उसका हमने एविडेंस के बारे में देखा, उसका सोर्स के बारे में देखा, उसके एलिमेंट थे 3, के कौन कौन से एलिमेंट थे भाई, डीप एंगल, डेक्लिनेशन एंगल, देन आफ्टर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ओके, तो डेक्लिनेशन एंगल के बारे में देखा कि भाई व्हाट इज द डेक्लिनेशन एंगल, इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, इट इज नोन एज अ डेक्लिनेशन एंगल। एंड व्हाट इज द डीप एंगल, इज अ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज अ डीप एंगल। एंड देन आफ्टर हमने लास्ट पर देखे थे भाई ओरिजिनल कंपोनेंट्स, तो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हम एक लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ओरिजिनल सरफेस के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है वो कोई भी डायरेक्शन में कोई भी एंगल पे वो आएगी। ठीक है, वो आपके एक लोकेशन पे वो डिपेंड होती है। ओके, देन आप उसका वेरिएशन के बारे में मैंने देखा था, उसका वेरिएशन डिस्टेंस चेंज होने से भी उसका वेरिएशन चेंज होती है, और डिस्टेंस चेंज होने से कौन कौन सी उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, वो तीनों तीन एलिमेंट उसके चेंज हो गए। कौन कौन से एलिमेंट, तो भाई डीप एंगल, डेक्लिनेशन एंगल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द अर्थ, वो तीनों तीन एंगल चेंज होने से उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट चेंज हो जाती है। ठीक है, देन आप एक और टाइम वेरिएशन से भी उसकी चेंज हो जाती है, एक शॉर्ट टाइम वेरिएशन एंड लॉन्ग टाइम वेरिएशन, शॉर्ट टाइम वेरिएशन एक सोलर विंड के लिए होता है। ठीक है, कि भाई विंड का फ्लो होगा तो वहाँ पर एटमोसफेयर में इसके आयन पार्टिकल्स का फ्लो होने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट चेंज हो सकती है। ओके, देन आपने हमने स्टडी किया था मीन्स के एक मैग्नेटाइजेशन के बारे में, व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नोन एज अ मैग्नेटाइजेशन। एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में कि भाई कौन सा ऐसा फोर्स अवेलेबल है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, तो वो फोर्स मीन्स के मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इक्वल टू एन आई। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट की, देन आफ्टर ससेप्टिबिलिटी के बारे में हमने देखा कि भाई जिसकी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा थी, और देन आप हमने ससेप्टिबिलिटी, देन आप मैग्नेटाइजेशन के बीच का रिलेशनशिप भी हमने बनाया, और देन आप एक दूसरा भी रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया कि भाई रिलेटिव परमीएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी का रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप हमको क्या मिल रही थी कि भाई μr इज इक्वल टू 1 प्लस साइन नॉट, ऐसा हमको उसका ससेप्टिबिलिटी का हमको मिसके उसके साथ का रिलेशनशिप हमको मिल रहा था। देन आप हमको देखा कि भाई ससेप्टिबिलिटी जिसकी भी नेगेटिव आती है वो वाली मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेट, और जिसकी जो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आती है उसको हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेट। तो हमारा जो नेचर में जो सभी मटेरियल अवेलेबल है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तो प्रोड्यूस करती है, बट
कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट से नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिक्रीज कर सकती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इफेक्ट से नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंक्रीज करती है और कोई ज़्यादा इंक्रीज करती है। ऐसे हमने उसकी एक थ्री करेक्टरिस्टिक के थ्री क्लासिफिकेशन के बारे में उनको देखना है कि भाई डायमैग्नेट में क्या होता है। डायमैग्नेट में उसके पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जीरो होती है तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको डिक्रीज कर देगी। तेना पर पैरा मैग्नेट के बारे में मैं देखा कि भाई पैरा मैग्नेट में एक कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो टर्न होकर अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी और उसके नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ओके। जेना पर उसमें एक टेम्परेचर का टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंट है कि भाई टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होता है और उसकी सस्टेनेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा जो पैरा मैग्नेट है वो एक डाई मैग्नेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ओके। देन आपने देखा था फेरोमैग्नेट, तो फेरोमैग्नेट में हमने क्या स्टडी किया हुआ था कि भाई फेरोमैग्नेट एक ऐसा टाइप का मटेरियल था कि भाई उसके इनसाइड एक डोमेन थी। व्हाट इज़ द डोमेन, कि भाई डोमेन के इनसाइड एक 10^2 जितना इलेक्ट्रॉन होती है वो सभी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन सेम जैसी होती है, सभी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम सेम होती है 10^11 जितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई सो देट मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट भी क्या हुई, ज़्यादा हुई कोई एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और वो मटेरियल में ऐसा 10^17 डोमेन होती है और डोमेन एक दूसरे के साथ अलाइन होकर वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा स्पेशल टाइप का मटेरियल हमको एक आयन पार्टिकल्स में भी मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आयन पार्टिकल्स है उसकी जो एलॉयस हम देखेंगे, ठीक है, फेरस जैसी उसकी एलॉयस है तो वो सभी एलॉयस में ऐसा इसके भी हमको नजर आती है तो वो इजीली एक मैग्नेट बन सकती है। तो फेरो मैग्नेट ही एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकती है, बट पैरा मैग्नेट और डाई मैग्नेट वो मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तेना पर क्यूरिस टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया कि भाई कोई ऐसा टेम्परेचर हमको क्या करना है, टेम्परेचर को राइज करके जाना है। हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा और मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होके ओके वो एक पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट जाएगा। दिस इज अ पर्टिक्यूलर टेम्परेचर इज नॉन एज द क्यूरिस टेम्परेचर, वहाँ तक का हमने देखा था। ठीक है, ओके। देन आप अभी आपको स्टडी करना है एक हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में। हिस्टेरिसिस कर्व इट इज़ द वन टाइप ऑफ द फिनोमिना एंड विच एम्स इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, कि भाई हिस्टेरिसिस कर्व को क्या बताती है, लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बताती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कब होती है, भाई लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन ऑफ फोर्स, जब आपका फोर्स का ऑक्सीलेशन होगा तब एक एनर्जी का लॉस होती है। ओके, तो फोर्स का ऑक्सीलेशन सभी प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होता है। तो यहाँ पे हमने जो देखने वाले हैं वो प्रोसेस में एक डोमेन का ऑक्सीलेशन हो रहा है, एक डोमेन, एक फेरोमैग्नेट में एक डोमेन था वो डोमेन का ऑक्सीलेशन हो रहा है और डोमेन का ऑक्सीलेशन होने से इसमें से एनर्जी का लॉस होने वाला है। वो कैसे एनर्जी का लॉस होगा वो आप देखिए कि भाई हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर की कि भाई ए वाली डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो डोमेन भी कहाँ पे रहना चाहेगा, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो रहना चाहेगा, ऐसे अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, देना पर हमने क्या किया, देना पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में हमने कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस डायरेक्शन में कर दिया तो ए डोमेन ऐसा हो गया। तो आपको हम इसके डोमेन, आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आप जानते हो कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को टू टाइप का मिला था, जो पहले से मैग्नेट जैसा भी वो रखता था और मैग्नेट जैसा भी वो पहले से नहीं रखेगा उसको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन से सभी डोमेन क्या हो जाती थी, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और तब वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होकर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमको दिखता था। ठीक है, बट जो स्टार्टिंग में जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था इसमें जो डोमेन था तो डोमेन कौन सा लूप बनाती रहेगी, एक क्लोज लूप बना लेगी, अगर वो क्लोज लूप बनाती है तो उसका टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाती है, जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा डोमेन जिसके रोटेशन होके वो मैग्नेटाइजेशन भी होता है, डीमैग्नेटाइजेशन भी होता है और वापस मैग्नेटाइजेशन भी होगा। कैसे, देखिए कि भाई हमारा एक मटेरियल हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सभी डोमेन क्या हो गए, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, तो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑब्वियसली क्या होने वाली है, भाई ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो और फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन हुआ, ये इसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ। जेना पर हम क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, ए वाली डायरेक्शन में हमने चेंज कर दिया, ए वाली डायरेक्शन में हमने चेंज किया। अब देखिए कि भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है,
सभी यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ पोल अवेलेबल है, तो सभी नॉर्थ पोल क्या करती है, रिपल टू ईच अदर। ओके, तो रिपल टू ईच अदर होके वो ए वाली डायरेक्शन में वो जाना चाहती है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया था पहले ए वाली डायरेक्शन पे, ठीक है, इसलिए वो अलाइन थे। देन अपन ने ए वाली डायरेक्शन में लगाया, तो ये नॉर्थ पोल कहाँ पे जाना चाहती है, वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में वो जाना चाहती है, ठीक है। तो वो ऐसे जाके वो ऐसे हो गया, एक दूसरा स्टेप देखिए, ये ऐसे होके ऐसे ही जाना चाहती है, पर पहले उसका टू स्टेप समझिए कि भाई आपका पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन पे थी, इसलिए वो डोमेन पी अलाइन कैसे हुआ, ए वाली डायरेक्शन पे। देन अपन अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एच की डायरेक्शन को चेंज किया, किसकी डायरेक्शन को, एस की। ओके, तो एस की डायरेक्शन को आपने ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया तो क्या हुआ कि भाई बीस वाला स्टेप समझिए कि पहले आपका डोमेन ऐसा होगा। ओके, तो आपका डोमेन ऐसा हुआ तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई जब वो ऐसा हो जाएगा तब उसकी इनसाइड जो डोमेन है वो सभी डोमेन क्या कर लेगा, एक क्लोज लूप बना देगा। अगर वो सभी डोमेन क्लोज लूप बना देगा तो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डी मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी मैग्नेटाइजेशन देना पर एक अपोजिट डायरेक्शन में वापस क्या होने लगेगा, अलाइन टू डोमेन हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ओके, तो ऐसा सेम फिनोमिना हमने एक क्या ले लिया, एक सोलेनोइड ले लिया, और सोलेनोइड के साथ हमने एसी करंट को लगा दिया। सोलेनोइड के साथ हमने क्या लगाया, एसी करंट। एसी करंट क्या होती है, एक अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो भी आपको स्टडी करना बाकी है, ठीक है। एसी करंट का एक पूरे का पूरा चैप्टर है, इसमें हम डिप में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो एसी करंट में, एसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। केमिस्ट के उसका क्या मीनिंग होता है, हमारे पास ऐसी स्प्रिंग अवेलेबल है लाइक दिस, आप स्प्रिंग समझिए, ठीक है। तो पहले करंट की डायरेक्शन एसी थी, तेरा पर करंट की डायरेक्शन एसी है, तो सोलेनोइड में क्या होगी, क्या एक सर्कुलर मोशन में से आपका करंट फ्लो होगा, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप सोच सकते हो, ठीक है। तो आपकी करंट की डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, देन आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण क्या होगा कि भाई इसमें से आप करंट को फ्लो करवा रहे हो, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम किसको बोलते हैं, एच इज इक्वल टू एन आई, एच इज इक्वल टू एन आई, वो हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई उसका यूनिट क्या होता है, आई का यूनिट क्या होगा एम्पियर, और एन का यूनिट क्या आएगा कि भाई व्हाट इज द एन, एन इज अ लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ द नंबर टर्न्स, सो दैट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम उसको बनेंगे, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या मिला हमको, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एच का यूनिट हमको क्या मिला, एम्पियर पर मीटर मिला, क्योंकि एन इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो आपको याद रखनी है। आप अगर एग्जाम में ओनली फॉर एम्पियर लिख के आ जाओगे, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड का यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ओके, हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऐसे लगाया, तो सभी पहले जो इसकी इनसाइड सोलेनोइड के कारण वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बी इज इक्वल टू मी नॉट एन आई। तेरा पर उसकी इनसाइड आपने क्या रखा है, मटेरियल, तो मटेरियल का भी क्या होने वाला है, मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन होकर उसके भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होने वाला है, एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बहुत थिंक के लिए मिल रही है, कौन कौन से बहुत, के भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोलेनोइड के लिए और दूसरा एक मैग्नेटाइजेशन के लिए, ठीक है। ओके, दोनों का एडिशन होकर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के किसके, वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोपोर्शनलिटी बनाती है, एक मैग्नेटाइजेशन वो प्रोपोर्शनलिटी बनाती है, जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन आपका ज़्यादा होगा ऐसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। तेरा पर हमने क्या किया कि भाई करंट की यहाँ पे हमने ऑक्सीलेटर लगाया हुआ है, एक एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पॉइंट पहले जो एस वाले डायरेक्शन में हुआ था, तो ये मैग्नेटाइजेशन भी होने लगा, तो हम उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। देन आफ्टर उसका क्या होगा कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए सभी पास वापस हमें क्या होगी, सर्कुलर लूप बना दिया, उसको हम बोलते हैं डी मैग्नेटाइजेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन करेगा। तो ए फिनोमिना में आपका जो ए मटेरियल है, मटेरियल की इनसाइड जो डोमेन है, वो डोमेन क्या करती है, ऑक्सीडेशन मोशन करती है ऐसे। वो ऑक्सीडेशन मोशन क्यों करेगी, क्योंकि आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करती है, ऑक्सीडेशन, आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे ऑक्सीडेशन करती है, क्योंकि आपने क्या सप्लाई किया है, एसी करंट, तो एसी करंट क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है ऐसे ऐसे। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन और मैग्नेटाइजेशन की इनसाइड, इसके आपकी जो मैग्नेट, आपका जो मटेरियल है फेरोमैग्नेट, तो फेरोमैग्नेट की इनसाइड जो डोमेन है, वो डोमेन भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है, तो वहाँ पे कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी का लॉस्ट होता है, ठीक है। तो हमको जो वाली हमको हिस्टेरेसिस कर्व है, वो क्या बताती है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी बताती है, ठीक है। ओके, तो आज हमको देखना है एक हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में। जो हिस्टेरेसिस कर्व होती है ना, वो एक ग्राफ होती है, वो ग्राफ किसके बीच का होता है, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड
एंड देन आपका एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वो ग्राफ होती है, ठीक है। ओके, तो आप पहले ग्राफ इसके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, सब उसका ग्राफ आता है, दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस। तो बेसिक में आपको फंडामेंटल में आपको मैं समझा देता हूँ कि भाई इसमें क्या होती है। मैंने आपको पहले तो मैंने समझा ही दिया है कि मैं पहले तो क्या कंसीडर करता हूँ, एक ये जो हिस्टेरिसिस जो ग्राफ होती है ना, वो हिस्टेरिसिस ग्राफ हमको एक लॉस्ट ऑफ एनर्जी बताती है कि भाई आपकी प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है वो ये बताती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई लॉस्ट ऑफ एनर्जी, कैसे लॉस ऑफ एनर्जी हो गए, लॉस ऑफ एनर्जी होने के लिए फोर्स का ऑक्सीलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक सिलेंडर के इनसाइड आपने रख दिया कि मेरे तो पहले एक सिलेंडर में कंसीडर करता हूँ, ऐसे एक नंबर ऑफ टर्न्स का एक सिलेंडर होता है, ठीक है। ओके, और उसके इनसाइड मैंने करंट का मैंने फ्लो करवा दिया और उसके साथ मैंने एसी सप्लाई कर दिया। एसी सप्लाई का क्या मीनिंग होता है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। मैंने ऐसे करंट का फ्लो करवाया तो उसकी इनसाइड एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एच इज इक्वल टू एन आई, वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका यूनिट क्या आएगा कि भाई एम्पियर का यूनिट होता है, मीन्स के करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एम्पियर पर मीटर होती है। वह क्या कर लेगा, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इनसाइड मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सपोज कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन पे थी, तो उसकी इनसाइड फेरोमैग्नेट के मटेरियल के पास आप जानते हो कि भाई फेरोमैग्नेट के मटेरियल के पास बहुत सारे डोमेन होते हैं, 10^17 जितना डोमेन होते हैं, और सभी डोमेन पहले कैसा था, एक क्लोज लूप बनाता था, ठीक है। तो सभी डोमेन पहले क्लोज लूप थे तो कोई मैग्नेट नहीं था, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप में थी, तो उसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। बट जैसे ही हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनोइड में हमने डाला, तो उसका सभी में डोमेन एक अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने लगे। अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एक सोलेनोइड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसका मैग्नेटाइजेशन के कारण भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। देना पर ये तो आपका एसी सोर्स है ना, तो आपका करंट मिस के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ए वाली डायरेक्शन पे। तो ए वाली डायरेक्शन में जाएगा तो वापस उसका क्या होगा कि एक क्लोज लूप बनेगा, तो उसका डीमैग्नेटाइजेशन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में वापस उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो वो क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ओके, और मैग्नेटाइजेशन करने के लिए आप कौन से सोर्स की आप यूज कर रहे हो, एच इज इक्वल टू एन आई सोर्स का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ए सोर्स मीन्स के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच, एच की वैल्यू, ठीक है। देन आप उसके रिफ्रेंस में आपको क्या फाइंड आउट होती थी, बी की वैल्यू। ओके, मैं उसको मैं टेबल में लिखना चाहता हूँ कि पहले आप एच को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। एच को आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने इंक्रीज किया, पहले तो आपका जीरो था एच, देन आप आपने कर दिया एच नॉट मीन्स के मैक्सिमम, देन आप वापिस क्या हो गया जीरो, देन आप नेगेटिव एच नॉट, देना पर वापस जीरो, ऐसी के पूरी साइकिल उसकी कंप्लीट होती है, ठीक है। आप ऐसे भी ग्राफ भी आप ड्रॉ करते हो ना ऐसे, कि भाई पहले एच की वैल्यू जीरो, देना पर एच नॉट, देना पर जीरो, देना पर वाप नेगेटिव, देना पर वापस जीरो, ऐसा भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एच नॉट दिस इज अ माइनस एच नॉट, यहाँ पे हो गया जीरो और यहाँ पे भी आ जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो है इसलिए, ठीक है। ओके, तो आप एस की वैल्यू करंट की वैल्यू चेंज होने से एस की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज होती है, ठीक है। ओके, तो मैं एस की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 और उसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 200। तो ए वाली डैश में आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 100, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 200, ठीक है। ओके, तो आपने क्या किया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को उसकी सोलेनोइड के इनसाइड आपने डाल दिया, और आप आपकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो आपका सभी डोमेन होगा वो भी कहाँ पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा तो वो क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बट आपने स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सप्लाई की, बट आपने देखा कि उसका मैग्नेटाइजेशन अभी नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड सप्लाई करनी पड़ेगी, देना पड़ होगा कि भाई पहले मैग्नेटाइजेशन पहले तो यूनिट कितना है एम्पियर पर मीटर, तो आपने पहले 1 एम्पियर पर मीटर जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी, और आपने देखा कि भाई मैग्नेटाइजेशन अभी भी जीरो है, देना पड़ आपने 2 दी तो भी आपका जीरो ही था, देना पड़ आपने 5 दी तो भी आपका जीरो ही था। जब आप 10 एम्पियर पर मीटर जितने आप फील्ड दोगे, तब उसका डोमेन एक अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका जो सभी डोमेन है ना, वो सभी डोमेन ऐसे एक क्लोज लूप में क्लोज लूप बनाया हुआ होगा, ठीक है।
क्योंकि वो पहले कैसा था, एक डीमैग्नेटाइजेशन में था, तो ऐसा वो क्लोज लूप है। एक क्लोज लूप को तोड़ने के लिए, एक क्लोज लूप को ब्रोक करने के लिए आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स आप कैसे लगाएंगे, मैग्नेटाइजेशन की फील्ड से आप लगाएंगे। तो ये जो डोमेन है ना, और सभी डोमेन एक क्लोज लूप में है, तो उसके पास भी इनर्शिया होती है, ठीक है। और इनर्शिया को ब्रोक करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में लाने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और इनिशियली फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं कि भाई आपकी जो कार है, वो कार को पहले स्टार्टिंग में आपको एक रेस्ट पर थे, तो रेस्ट पर में से आपको एक्सेलरेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा देखना पड़ेगा, आपके इंजन से आपको फोर्स ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। देना पर आप थोड़े से भी एक्सेलरेशन लगाओगे तो भी आपकी कार चलेगी, पर स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, मोर एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। ऐसे ही सेम फिनोमिना यहाँ पे कि भाई स्टार्टिंग में उसका डीमैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैग्नेटाइजेशन फील्ड का यूज़ करने कितना करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मैग्नेटाइजेशन फील्ड को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो भी जी मैग्नेटाइजेशन 0 0 0 ही आ रहा है। देन आफ्टर मैग्नेटाइजेशन फील्ड का मैंने इंक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैंने देखा कि भाई वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अभी भी वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि भाई वो क्या हो गया, सेचूरेट हो गया। वो सेचूरेट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो मटेरियल है, तो मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन होती है, तो इलेक्ट्रॉन की भी स्ट्रेंथ होती है भाई, कि भाई सपोज के 10^4 मिलियन, 10^6 मिलियन, तो उसकी भी एक इलेक्ट्रॉन की भी स्ट्रेंथ होती है। तो सभी इलेक्ट्रॉन अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, देन आप उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते। आपने क्या किया, देखिए कि भाई स्टार्टिंग में मैग्नेटाइजेशन किया, तो मैग्नेटाइजेशन उसका इंक्रीज होने लगा, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंक्रीज होने से, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट हो गया कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गई। क्यों कॉन्स्टेंट हो गई, क्योंकि उसका मैग्नेटाइजेशन कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो ए वाले मिसके आपका अभी भी आप कोई भी आप मैग्नेटाइजेशन फील्ड आप लगाओ, तब भी उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ए वाली पॉइंट आपकी सेचुरेशन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी 1.5 टेस्ला। यहाँ का उसका मैं पार्ट पार्ट देता हूँ, दिस इज अ 1 एंड देन आपने यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे उसकी नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -0.5, और यहाँ पे हम लिखेंगे -1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1.5, और उसका यूनिट होता है टेस्ला, उसका यूनिट होता है टेस्ला। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है, ओके। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, देन आफ्टर उसका मैग्नेटाइजेशन इसके यहाँ पे मैक्सिमम हो गया 150 अराउंड, हमने 150 से लेकर 250 तक हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड सप्लाई की, तभी उसका मैग्नेटाइजेशन तो कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, बिकॉज योर और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ क्या हो गई, यहाँ पे फिनिश हो गई, ठीक है। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए देन आफ्टर मैं वापस यही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पहले मैं कौन सी डायरेक्शन में गया, ए वाली डायरेक्शन में, ठीक है। देन आफ्टर मैं वापस यही डायरेक्शन में मैं आता हूँ ऐसे, ओके। तो ये मैग्नेटाइजेशन का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। देन आफ्टर मैं देखता हूँ ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 नहीं होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैंने देखी कि भाई यहाँ से वो आपका ग्राफ मिस के ऐसा फाइन आउट होया, ठीक है, ओके। तो ऐसा आपका ग्राफ आपको मिला, तो आप देख सकते हो कि ए पॉइंट पे आपकी मैग्नेटाइजेशन की फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हाइट क्या शो करती है, ये हाइट शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पहले आपने उसको आपका मटेरियल को आपने रखा है यहाँ पे, तो ए वाली डायरेक्शन पे आपने मैग्नेटाइजेशन फील्ड को किया, तो ए वाली डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज होने लगी। देन आफ्टर आप अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ले गए, मैग्नेटाइजेशन फील्ड को ले गए, तब उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी चाहिए, वो डिक्रीज हो रही है, बट आपकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड जब 0 हो जाएगी तब उसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी 0 नहीं होती है, बिकॉज उसकी इनसाइड क्या होती है भाई, इनर्शिया। तो ए वाली पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो ए वाली पॉइंट को हम बोल सकते हैं रिटेंशन भी बोल सकते हैं, और दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी में हम क्या लिखेंगे, जब हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 होगी तब भी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है, एक मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट है, तो वो वाली पॉइंट को हम बोल सकते हैं रिटेंटिविटी। तेना पर हमने क्या किया, देखिए तेना पर ए डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में ले गए। ए वाली फिनोमिना को आप समझिए कि देखिए कि ए वाली फिनोमिना में क्या हुआ है कि भाई हमारे पास एक 500 स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया,
एवर, इसमें से 500 मैग्नेटिक लाइन एवर डायरेक्शन में मीन्स के प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो सभी का यहाँ पे क्या है, नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ पोल है। तेरा प्रश्न मैंने क्या किया कि भाई उसकी वैल्यू को मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ। ओके, तो उसकी वैल्यू को मैंने डिक्रीज कर दिया एस वाली डायरेक्शन पे। ठीक है, तो देखिए ये नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो ए वाली नॉर्थ पोल कहाँ पे चली जाएगी, ए वाली डायरेक्शन पे, और ए वाली नॉर्थ भी कहाँ पे चली जाएगी, ए वाली डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए ओनली फॉर 300 ही बची। ठीक है, तो उसको वाली पॉइंट को हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। देना पर क्या किया कि भाई उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, ऐसे हम लेके गए और ज़्यादा, तो और ज़्यादा लेके गए कि तो ए नॉर्थ पोल भी कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। ए वाला नॉर्थ पोल भी कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वापस क्या होने वाला है, डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये आपका ग्राफ ऐसा चला गया और ए वाली पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो। तो कब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, जब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है तब। तो ए वाली पॉइंट में मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। ठीक है, तो ए वाली पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी हम बोलेंगे। तब वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में आई, नेगेटिव वैल्यू में आई। ठीक है, ए वाली पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ रिटेंशन। रिटेंशन में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है, और कोर्सिविटी में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, बट वहाँ पे एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज़ नॉन एज कोर्सिविटी, उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तेरा पर क्या होगा कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो सभी आपके जो 500 मैग्नेट डायपोल मोमेंटम थे तो अपोजिट डायरेक्शन में वो इंक्रीज होने लगेगा, अलाइन होने लगेगा सभी डोमेन। ठीक है, तो सभी डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होने लगेगी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो ऐसे उसका ग्राफ ऐसे आपको मिलेगा। देन आफ्टर एक पॉइंट के बाद यहाँ पे भी क्या होने लगेगा, सेचुरेशन हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपकी डायरेक्शन मिस के वापिस ए वाली डायरेक्शन में ले जाए, तो ए वाली डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वापिस उसका क्या होगा, वापिस उसका रिटेंशन होगा ऐसे। तो यहाँ पे देखिए वापिस उसका रिटेंशन हो रहा है। देन आफ्टर आप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन फील्ड को लेके जाइए, तो यहाँ से उसका ग्राफ वापिस यहाँ पे कोर्सिविटी फाइंड आउट होगी, और ऐसे आपकी कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये तो ये मैंने है ना इनिशियली पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, बट आपकी साइकिल तो ऐसी होगी, देखिए आपकी साइकिल को ऐसी होगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे, देन आफ्टर यहाँ से ऐसे। देखिए मैं वापस आपको समझाता हूँ कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सप्लाई किया, देन आफ्टर आप स्टार्टिंग में उसकी इनर्शिया से, उसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है इसलिए उसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड आप ज़्यादा करते हो, बट उसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। देन आफ्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट में उसका मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा हो गया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो गई, इंक्रीज होने लगी, और एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट हुआ कि भाई वहाँ पर उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड मीन्स के इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वाली पॉइंट को हम बोलेंगे सेचुरेशन ऑफ बी। तेना पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन फील्ड ले जाते हैं, बट तभी भी उसके बी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। जब मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब बी की वैल्यू जीरो नहीं होती है, उसमें कोई रिटेंशन अवेलेबल है, तो ए वाली पॉइंट को हम बोल सकते हैं रिटेंटिविटी। तेना पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी और भी हम लेके गए तो हमको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड का कोई ऐसा हमको पॉइंट मिलेगा कि भाई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट क्या हो गई, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट कब जीरो होती हो जाती है, जब उसका डाई मैग्नेटाइजेशन होता है, तो यहाँ पे उसका डाई मैग्नेटाइजेशन हो गया। तेना पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन, तेना पर उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज, तेना पर एक वापिस ऐसा पॉइंट फाइंड आउट हुआ कि भाई वहाँ पे क्या हो गया, डी मैग्नेटाइजेशन। तो ये आपको हिस्टेरेसिस कर्व आपको बताती है। ठीक है, ओके, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व में आपको पहले दो डेफिनेशन लिखनी है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। ओके, तो हम पहले लिखते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी में आपको क्या लिखने के, भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बट मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ऑफ अ मटेरियल इज दैट वैल्यू ऑफ बी of the material is that value of the B is B which is retained in material। ठीक है, वो material में से वापिस जीरो नहीं होगी, वो इसमें रिटेन होगी, रिटेन इन मटेरियल when magnetizing field is zero। आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप जीरो कर दिया तब भी वो मटेरियल में रिटेन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी बोलते हैं। एच इज बिकम जीरो, दिस पॉइंट इज नॉन एज द रिटेंटिविटी। तेना पर हमको नेक्स्ट देखना है कोर्सिविटी।
is that negative values of, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के बारे में आपको देखना है। देखिए कि भाई आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देन आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब आपके यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो यहाँ पे वापस जीरो हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इज दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच विच कंपेल्स द रिटेन मैग्नेटिक फील्ड टू बिकम जीरो। वो जो रिटेन की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, ठीक है। ओके, जो हिस्टेरिसिस कर्व ने देखा, तो हिस्टेरिसिस कर्व में एक हमारा मटेरियल का एक डायमैग्नेट मिसके एक डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन हो रहा था कंटिन्यूसली। तो डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन होने के लिए जो वर्क डन मिलेगा, वो वर्क डन हमको कैसे मिलेगा, जो हिस्टेरिसिस कर्व है उसका आप एरिया निकालिए, जो एरिया आप निकालेंगे वही उसका क्या हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है। तो एक कंप्लीट मीन्स के एक कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन के एक कंप्लीट साइकिल मीन्स के फिनिश करने के लिए जितना भी वर्क डन लगती है ये उसके एरिया से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। किसके एरिया से, हिस्टेरिसिस कर्व के एरिया से। ओके, तो जिसका हिस्टेरिसिस कर्व का एरिया ज़्यादा उसका वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो इसकी एनर्जी का लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिक मोटर और गैल्वेनोमीटर सभी में आपने देखे, सभी में क्या कर रही है कि भाई एक कॉइल रोटेट हो रही है बट उसका नेट वर्क डन क्या आ रही है, जीरो, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो जो रोटेट हो रही है तो उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या कर लेगी, थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एक हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर लेगा। लाइक दिस हमारे घर में जो फैन लगे हुए है, वो फैन चलते हैं तो वो हीटअप होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा देर वो चलेगा तो वो एक हीटअप होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे एक आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमने भी यहाँ पे क्या किया, देखिए कि हमारे पास एक सोलेनोइड था, तो सोलेनोइड में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसका मैग्नेटाइजेशन फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड से इसके इनसाइड डोमेन ने ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे वो ऑक्सीलेशन करेगा, तो ऑक्सीलेशन करता है तो उसके पास भी एक फ्रिक्शन होता है, सभी एलिमेंट के पास इनर्शिया होता है, वो इनर्शिया के अपोज आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे वो वर्क डन करेगा, ऐसे वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वो जो वर्क डन हो रहा है तो वो एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है, चला है? ओके, तो सभी को देना पड़ेगा आपको हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में दूसरा क्या स्टडी करना है कि भाई हिस्टेरिसिस कर्व में मोस्ट ऑफ तो हमको क्या देखना था, लॉस्ट ऑफ एनर्जी हमको देखना था। यहाँ पे लॉस्ट ऑफ एनर्जी कैसे होगी कि भाई हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इसके इनसाइड हमारा जो मैग्नेट है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो रोटेट होगा तो इसमें क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका लॉस्ट एक हीट एनर्जी में होती है। ओके, तो वहाँ पे एक कंप्लीट मीन्स के डायमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन होने का पूरा सर्किट, देखिए ये पूरी साइकिल ही हुई ना, पहले क्या हो रहा था, मैग्नेटाइजेशन देन आफ्टर डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, देन आफ्टर अपोजिट डायरेक्शन में डायमैग्नेटाइजेशन, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन, सॉरी, एंड देन आफ्टर वापिस यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन, पहले मैग्नेटाइजेशन, देन आफ्टर डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो ऐसे यहाँ पे एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई, तो पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए उसका कोई वर्क किया हुआ होगा, ठीक है। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉइल को रोटेट करवानी है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे आप मीन्स के टॉर्क एक वर्क प्रोड्यूस होगा, तो वर्क यहाँ पे कैसे इंडिकेट करेंगे, हम एक ग्राफ में आप उसका एरिया हम कवर कर लेंगे, उसका एक पूरे का पूरा एरिया हम कवर कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। देखिए यहाँ पे बी इंटू एच, ये बी इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पे बी इंटू एच का आप डायमेंशन एनालिसिस फाइंड आउट कीजिए, और डायमेंशन एनालिसिस कितना आएगा, एम वन एल टू टी रेस टू माइनस टू आएगा। वो किसका डायमेंशन एनालिसिस है, वर्क डन का है। तो एरिया क्या इंडिकेट करती है, वर्क डन इंडिकेट करती है, ठीक है। ओके, जिसका वर्क डन ज़्यादा उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसका लॉस्ट एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो हम एरिया के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, उसका हमको सेंटेंस ही लिख देना है,
कि भाई एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व इज इंडिकेट्स वर्क डन इज इंडिकेट्स वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल इज इंडिकेट्स वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन दिस वर्क डन बाय सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस कर्व इज इंडिकेट द वर्क डन। ये एरिया क्या इंडिकेट करती है, एक वर्क डन इंडिकेट करती है ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द डी मैग्नेटाइजेशन दिस वर्क डन इज बाय द सोर्स ऑफ द एच मीन्स के मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। सभी जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है और इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इसमें क्या होती है कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वो कॉइल को रोटेट होती है तो उसका एक हिस्टेरिसिस कर्व होती है। तो हमको क्या करना है कि भाई जब हम कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर या कोई भी हम परचेस करने जाएंगे तो उसका हमको हिस्टेरिसिस कर्व पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई हिस्टेरिसिस कर्व में हम क्या इंडिकेट करेंगे कि भाई हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल थे और मैं दोनों का यहाँ पे हिस्टेरिसिस में कर्व ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक ट्रांसफॉर्मर का हिस्टेरिसिस कर्व ऐसा था और दूसरे ट्रांसफॉर्मर का हिस्टेरिसिस कर्व ऐसा था। ओके, ये हमारा बी ट्रांसफॉर्मर है, ये है हमारा ए ट्रांसफॉर्मर। तो अब कौन सा इसके किसका वर्कडन कम होगा और किसका वर्कडन ज़्यादा होगा, तो हमको क्या करना है कि भाई ये किसके बीच का ग्राफ होता है, बी वर्सेस एस का ग्राफ होता है, ए बी बी वर्सेस एस का ग्राफ होता है। ठीक है, तो बी इंटू एस जो एरिया वो कवर करेगा वो एरिया आपको क्या इंडिकेट करेगा, ये पूरे का पूरा एरिया आपको क्या इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक वर्क डन इंडिकेट करती है, और ए बी एरिया क्या इंडिकेट करती है, वर्क डन इंडिकेट करती है। तो किस में वर्क डन ज़्यादा, ए बी वाले ग्राफ में वर्क डन ज़्यादा होगा और ए वाले ग्राफ में वर्क डन कम होगा, तो आप कौन सा ट्रांसफॉर्मर आप परचेस करेंगे भाई जिसका वर्क डन ज़्यादा, ऐसा ऐसा रॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये वर्क डन एक हीट एनर्जी में लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी मिसका एरिया ज़्यादा उसका लॉस्ट ऑफ एनर्जी ज़्यादा, तो आप कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ए वाले ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ए वाले ट्रांसफार्मर को आप परचेस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ के बारे में आपको मालूम पड़ा। ओके, तो उसका भी हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देते हैं कि भाई फॉर अ गिवन मशीन एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस फॉर अ गिवन मशीन हो या कोई ट्रांसफॉर्मर हो, कोई भी डिवाइस हो, सभी का हिस्टेरिसिस कर्व अवेलेबल होता है। ठीक है, बिकॉज इसमें आप कौन सा सोर्स आप यूज करेंगे, एसी सोर्स, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व शुड बी स्मॉलर लेस लॉसेस। ठीक है, आप एरिया स्मॉलर रखेंगे तो आपका लॉस भी क्या होगा, लेस होगा, लेस लॉस इज ड्यू टू हिस्टेरिसिस। मालूम पड़ा कि भाई हिस्टेरिसिस कर्व में क्या होता है, हिस्टेरिसिस कर्व में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, इसमें डोमेन मींस के अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया, और वापस वो क्लोज लूप बनाएगा तो उसका डी मैग्नेटाइजेशन होता है, और वापस वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका डी मैग्नेटाइजेशन हो गया, और वापस वो क्लोज लूप बना देगा तो डी मैग्नेटाइजेशन। ऐसे कंटिन्यूसली उसकी साइकिल चलती रहती है, इसमें आपका एनर्जी का लॉस्ट होता है एक हीट एनर्जी में। ओके, देन आपको स्टडी करना है मैग्नेट के बारे में। अगर हमारे जो नेचर में जो मैग्नेट होते हैं ना, वो टू टाइप के मैग्नेट होते हैं कि भाई एक कोई ऐसा मैग्नेट हमको उसको परमानेंट हमको यूज़ करना है,
वो वाला मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है कि भाई टेम्परेरी हमको मैग्नेट का यूज़ करना है, जैसे कि हमारे पास एक ऐसी कोई कॉइल अवेलेबल है कि भाई उसके अनुसार हमको एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमको घुमाना है कंटिन्यूसली, तो हमको वहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए। और गैल्वेनोमीटर की कॉइल में भी आपको परमानेंट मैग्नेट चाहिए, और मोटर के अनुसार भी आपको एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट आप कैसे बनाएंगे, और परमानेंट मैग्नेट हम किस टाइप का मटेरियल से हम बनाएंगे, और परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो हमको देखना है, ठीक है। ओके, तो परमानेंट कोई भी मटेरियल हो उसको मैग्नेट बनाने की आपकी एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि भाई ए वाली जो मटेरियल है उसको मुझे मैग्नेट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा उसको सोलेनोइड के इनसाइड मैंने इंसर्ट कर दिया, क्योंकि सोलेनोइड क्या बनाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है इनसाइड, ठीक है। ओके, तो मैंने उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पुट कर दिया, तो उसके इनसाइड क्या होगा कि भाई सभी डोमेन क्या हो गए अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गए, तो वो भी क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए देन आफ्टर मैंने उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड से उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देन आफ्टर मैं उसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूँ, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैं डिक्रीज करके मैं जीरो पे ले आता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि भाई उसकी इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी उसके पास है, बट थोड़ी डिक्रीज हुई है, बट और उसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हुआ तब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, वो वाली ए वाली पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी हम पॉइंट बोलेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी का मीनिंग क्या होना कि भाई देखिए कि भाई आपको उसके इनसाइड जो डोमेन है वो डोमेन को आपको अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा फोर्स आप लगाएंगे तब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। बट आप मैक्सिमम फोर्स थोड़ा कम लगाते हैं तो उसकी रिटेंटिविटी यहाँ पे रहेगी, और रिटेंटिविटी के कारण वो एक परमानेंट मैग्नेट बन सकता है, ठीक है। ओके, तो टेम्परेरी मैग्नेट आपको कब यूज़ करना है कि भाई जैसे कि हम जो फैक्ट्री में जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो लोहे के बने हुए, एक आयरन पार्टिकल्स के बने हुए, और आप जानते हो कि भाई जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट क्या कर लेती है, वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती है। हम इजीली उसको हमको उसको एक वन प्लेस से सेकेंड प्लेस में हमको ले जाना है, कि शिफ्ट करना है वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको ऐसा ऊँचा करके दूसरे लोकेशन पे हमको मुकना पड़ेगा। ओके, तो वो इजीली ऐसे उसके का नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्रेन आती है कि जो मैग्नेटाइज वो मैग्नेट टेम्परेरी वो बना सकती है। कैसे मैग्नेट पर टेम्परेरी बना सकती है कि भाई ये जो क्रेन होती है तो क्रेन का एक एंड में ऐसा कोई एक प्लेट होती है, वो प्लेट को हमने प्लेट के इनसाइड हमने क्या किया कि भाई करंट का फ्लो करवा दिया। तो करंट का फ्लो करवाएंगे तो उसकी इनसाइड हमने प्लेट रख दिया, तो प्लेट क्या बन जाएगी, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा प्लेट में। तो प्लेट में मैग्नेटाइजेशन हो गया तो इसके आपके जो कंटेनर है वो कंटेनर को इजीली क्या कर सकती है, इसके अट्रैक्ट कर सकती है। देन आप हमने क्या किया, ए लोकेशन से ऊँचा है मिसके ऊँचा के एक दूसरी लोकेशन में हमको पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, और वापस उसको क्या करना है, जो मैग्नेटाइजेशन की जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको कम करनी है। तो मैंने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिक करंट था वो इलेक्ट्रिक करंट को मैंने बंद कर दिया। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन था वो डी मैग्नेटाइजेशन हो गया, और एक कंटेनर इजीली नीचे आ जाएगा चलाया। ओके, तो ऐसे आपको एक टेम्परेरी मैग्नेट भी बनाना है। तो टेम्परेरी मैग्नेट में रिटेंटिविटी क्या होती है, लोअर होती है, और परमानेंट मैग्नेट में रिटेंटिविटी क्या होती है, लार्ज होती है। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप आयरन पार्टिकल्स का नहीं बट स्टील का यूज़ करते हो। क्यों स्टील का, क्योंकि स्टील को मैग्नेट बनाने के लिए आपको जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सप्लाई करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी रिटेंटिविटी मैक्सिमम होती है, और जो सॉफ्ट आयरन होती है उसकी रिटेंटिविटी थोड़ी कम होती है, और उसकी कोर्सिविटी भी थोड़ी कम होती है। भाई कोर्सिविटी हम किसको बोलेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो करनी है, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो करनी है, मिसके उसका मीनिंग क्या हुआ, डाई मिसके उसको हम बोलते हैं ना डीमैग्नेटाइजेशन, आपको डीमैग्नेटाइजेशन करना है। तो डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए आपके जो एस की वैल्यू हो नेगेटिव डायरेक्शन में आप लेके गए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप जिसकी भी वैल्यू से आप लेके गए वो वाली पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो रिटेंट आपका परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों की वैल्यू लार्ज होती है, और वो वाली में टेम्परेरी में क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको स्टडी करना इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मीनिंग हुआ कि भाई एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण आपने उसको मैग्नेट बनाया है। ए वाली मैग्नेट का टू टाइप होता है, एक परमानेंट मैग्नेट एंड देन आफ्टर एक टेम्परेरी मैग्नेट। उसका टू टाइप होता है, परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्परेरी मैग्नेट। ओके, इन दोनों में चेंजेस क्या होता है? देखिए, परमानेंट मैग्नेट का क्या मैकेनिज्म हुआ कि भाई परमानेंट मैग्नेट को हमको कोई कॉइल में हमको कांस्टेंट मैग्नेट रखना है, उसको मैग्नेट यहाँ पे चाहिए, मैग्नेट फिर हमको चाहिए। ए वाली एप्लीकेशन में परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करेंगे और टेम्परेरी मैग्नेट में हम किसका यूज कैसे यूज़ करेंगे कि भाई जैसे कि हमारा ये मिसके हमारा कोई डिवाइस है, हम चाहे तब उसको मैग्नेट बना सकते हैं कि हमने बोला कि भाई मैग्नेट बन जाए तो ये मैग्नेट बन जाएगा, और हमको बोला कि भाई मैग्नेट को छोड़ दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देगा। ठीक है, तो ए वाली मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेरी मैग्नेट हम बोलेंगे। मैंने आपको बोला ना कि भाई क्रेन में ऐसी यूज़ होती है, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट आपके इसमें यूज होती है। तो इसमें जो आपका जो BS का ग्राफ है, इसमें क्या चेंजेस आएगा कि भाई पहले तो परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखिए कि भाई परमानेंट मैग्नेट किससे बना हुआ है, एक स्टील से बनाया हुआ है, और स्टील और सॉफ्ट आयन जो मटेरियल है उसकी भी इसका पहले तो डिफरेंस आप समझिए कि भाई स्टील में जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो फोर्स होती है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो फोर्स होती है वो फोर्स बहुत ज़्यादा होती है एज दी कंपेरिजन टू सॉफ्ट आयन। ओके, तो वो फोर्स ज़्यादा होगी तो ऐसे पहले तो उसके इनसाइड ऐसा डोमेन होगा। ओके, तो ऐसा डोमेन है एक क्लोज लूप बनाती है, और क्लोज लूप को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सप्लाई करना पड़ेगा। बट ए वाली केस में आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपने दोनों ब्लॉक कंसिडर किए, एक आपका स्टील का था और एक आपका एक सॉफ्ट आयन का था। ओके, और दोनों को आपने 100 एम्पियर पर मीटर का आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सप्लाई किया। ओके, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आपने इसके अंडर सप्लाई किया तो आपका जो सॉफ्ट आयन था उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में। मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ कि भाई टेम्पररी जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी परमानेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, तो वो परमानेंट से ज़्यादा हो गया, इसमें प्रोड्यूस हो गया 1000 और इसमें प्रोड्यूस होती है ओनली फॉर एक 800। ओके, तो 200 का डिफरेंस हुआ। तेना पर मैं क्या करता हूँ, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैं जीरो कर देता हूँ। ओके, मैंने जीरो कर दिया और वापस मैंने देखा कि भाई वो जो आपका जो स्टील था तो स्टील का था 700 और वो जो सॉफ्ट आयन का बना हुआ था वो ओनली फॉर था 10। तो उसका क्या हो गया भाई? डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो वो है टेम्परेरी मैग्नेट। ऐसा क्यों हुआ कि भाई एक जो हमारे जो परमानेंट मैग्नेट था वो स्टील का बनाया हुआ था, तो स्टील का बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग में एनर्जी हमको क्या लगानी पड़ेगी? मोर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी हमको मैग्नेटाइजेशन फील्ड की एनर्जी हमको उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और वापस उसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगी? अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब वो जाके वो जीरो होगा। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट में उसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, और टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होती है? कम। और दूसरा डिफरेंस आपको क्या याद रखना है कि भाई टेम्परेरी मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलती है वो इंटेंसिटी परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट हम कहाँ पर, मैंने आपको एप्लीकेशन बताई, एक क्रेन में आप यूज़ करते हो, कोई हेवी कंटेनर को आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाना है, तब उसको इसके उचकाने के लिए आप टेम्परेरी मैग्नेट का आप यूज़ करते हो, वहाँ पे मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे कम होगी तो कंटेनर ही नहीं उचकेगा। ठीक है, ओके, तो आप परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में आप लिखिए कि भाई उसकी लार्जर रिटेंसिविटी होती है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, उसकी कोर्सिविटी भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में लिखना है कि भाई स्मॉल रिटेंशन होगा उसमें एंड स्मॉल कोर्सिविटी होगा। ठीक है, ये किसका बनाया होगा? सॉफ्ट आयन का, और ये स्टील का। ठीक है, ओके, तो स्टील में क्या होगा कि भाई लार्जर वो स्ट्रांग होगा इस कंपैरिजन टू सॉफ्ट आयन। उसका इंटरमोलेक्युलर फोर्स भी ज्यादा होगा, स्ट्रांग कंपेयर टू
सॉफ्ट आयन, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। हिस्टेरिसिस कर्व इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आती है हिस्टेरिसिस कर्व। तो हिस्टेरिसिस कर्व में आपको ओनली पर क्या याद रखनी है कि भाई लॉस्ट ऑफ एनर्जी याद रखनी है। उसमें एक बार मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, वापस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, ऐसे उसकी पूरी के पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। और उसका एरिया क्या इंडिकेट करती है, वर्क डन, और जितना वर्क डन ज़्यादा इतनी उसकी वर्क लॉस ज़्यादा होगी, ठीक है, इतना उसका एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। ओके okay.